दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपनी होंडा SP125 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने ये बाइक जो है ये मैंने लास्ट ईयर को ली थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। एंड आई विल गिव अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस बाइक, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट। इट कम्स इन 4 कलर्स, ठीक है? तो मेरा जो कलर है ये है मैटी ग्रे। व्हाई आई बॉट दिस मैटी ग्रे आई विल टेल यू, एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट ये 4 कलर में आती है। एक जो है ये मैटी ग्रे है, और एक है, और जो 3 कलर है वो ग्लॉसी कलर में आते हैं, ठीक है? और एक जो है वो है ब्लैक एंड वाइट में, सॉरी रेड एंड वाइट में आता है, और एक है ब्लू एंड रेड में आता है, और एक जो है वो है ब्लैक एंड नियॉन कलर में आता है। ऑल अदर कलर्स आर ग्लॉसी एंड ओनली दिस वन इज मैट। सो इट कम्स इन टू वेरियंट, वन इज द डिस्क ब्रेक एंड वन इज ड्रम ब्रेक। सो आई बॉट दिस ड्रम ब्रेक वर्शन। जो डिस्क ब्रेक था वो मेरे बजट से थोड़ा बाहर हो रहा था, तो मैंने लिया नहीं है। और वैसे भी ये मेरे पापा भी चलाते हैं, तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया, ठीक है? एंड लेट मी शो यू द साउंड ऑफ दिस बाइक। द साउंड इज नाइस यार, रिफाइंड इंजन मैन, द साउंड इज प्रिटी प्योर। इट ऑल्सो हैज़ अ किक स्टार्ट, एंड इन द डिस्प्ले इट हैज़ दी गियर इंडिकेटर, द फ्यूल गॉज, इट ऑल्सो हैज़ अ डिजिटल क्लॉक। देन टोटल किलोमीटर देखो, मैंने ये 7,800 किलोमीटर ऑल टोटल मैंने चलाई है इसको, 7,812 किलोमीटर ऑल टोटल मैंने चलाई है एक साल में। देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड दिस इज दी एवरेज माइलेज। सो इट विल नॉट शो नाउ, लाइक ये जब मैं बाइक को चलाऊंगा, जिस स्पीड में मैं चलाऊंगा बाइक को, उस हिसाब से यहाँ पे KMPL दिखाएगा कि मुझे, मैं अगर ये स्पीड में मैंने चलाया तो मुझे कितना माइलेज मुझे मिलेगा। उस हिसाब से अगर इफ़ आई एम राइडिंग इन अ सिटी एंड इफ़ आई एम राइडिंग द बाइक एट 40 और 45 किलोमीटर पर आवर, देन इट विल शो अ माइलेज ऑफ अराउंड 65 to 70। एंड इफ़ आई एम राइडिंग राइडिंग दिस बाइक इन हाईवे इन द स्पीड ऑफ 70 और यू कैन से 80, सो इट विल शो अ माइलेज ऑफ 50, 55, लाइक दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। ये मेरा ट्रिप ए का माइलेज है, ट्रिप ए का माइलेज मुझे 66.2 KMPL मिला है। सो इट्स वेरी नाइस यार, इट हैज़ अ नाइस फ्यूल एफिशिएंसी। और लाइक एज यू नो कि अभी पेट्रोल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये बाइक मुझे बहुत बहुत यूज़ में होता है, ठीक है? सो आई ऑल्सो हैव माई एनफील्ड 350, आई ऑल्सो बॉट दिस बाइक पल्सर 125 विच आई बॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ये बाइक ज़्यादा चलाता हूँ, ठीक है? बिकॉज होंडा का इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड है, मुझे पल्सर में ये ज़्यादा नहीं मिलता है, पल्सर में मुझे इतना रिफाइंड इंजन नहीं मिलता है। इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है, और ये बाइक का वेट भी कम है। सो इट्स ईजी फॉर मी टू ड्राइव इन द ट्रैफिक, और कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, स्टे इन दमदम। सो यहाँ पे ट्रैफिक के हिसाब से दिस बाइक इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर मी। और आई विल शो यू द लाइट, जस्ट जस्ट अ सेक। इसका जो लाइट है बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, आई लव इट, यू नो, लाइक आई लव द डिस्प्ले एंड द लाइट। दिस इज़ द हाई बीम, दिस इज़ द हाई बीम, दिस इज़ द लो बीम, पास लाइट, इट लुक्स समवट लाइक दिस फ्रॉम बैक। इसका मुझे एक ही चीज़ सबसे ड्रॉबैक लगा होंडा SP125 का, कि इसका जो टायर है ना यार, इसका टायर बहुत ही ज़्यादा पतला है। जैसे आप पल्सर के साथ कंपेयर कर लो, पल्सर का जो टायर है इट्स प्रिटी थिक, यू नो, बट इसका टायर बहुत ही ज़्यादा पतला है, यू कैन सी, बहुत ही ज़्यादा पतला है, ठीक है?
तो इसका बस मुझे यही एक ड्रॉबैक लगा, और नहीं तो बाइक का सभी बहुत ही मस्त है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजन, इंजन इज़ प्रिटी गुड, ठीक है। लाइक मुझे 1 साल में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया इंजन में। और होंडा का सर्विस सेंटर, लाइक इट्स अमेजिंग, यू नो आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विथ होंडा। मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया। मैं जब भी जाता था, मैं यहाँ पे चिनार पार्क के होंडा के सर्विस सेंटर में जाता था, और मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया। लाइक दे यूज़ टू लाइक द गेस्ट हैंडलिंग इन देयर इज़ वेरी प्रिटी नाइस। वो लोग बहुत ही जल्दी ज़्यादा सर्विसिंग करते हैं। मुझे बस 2-3 घंटा मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ता था, एंड दे यूज़ टू सर्विस माई बाइक एंड दे यूज़ टू हैंड इट ओवर टू मी। और यहाँ पे आपका पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है। इफ़ यू आर बिजी, दे विल पिक द बाइक फ्रॉम योर हाउस एंड दे विल डिलीवर इट टू यू आफ्टर द सर्विस इज़ ओवर। सो आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विथ होंडा। मेरा 1 साल हो गया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है होंडा बाइक में। लाइक मुझे मेरे SP125 में मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है। एंड इफ़ समवन इज़ प्लानिंग टू बाई दिस बाइक, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू शुड गो फॉर इट। और इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में, इस लाइक 125 cc सेगमेंट में, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बाइक। येस, इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर लुक, देन ऑब्वियसली यू शुड बाई दी न्यू होंडा NS125 और होंडा पल्सर 125 सॉरी बजाज 125, पल्सर 125, एंड देयर इज ऑल्सो न्यू वर्जन लाइक NS125। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट इफ यू नीड अ स्मूथ इंजन, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर होंडा। आई थिंक होंडा 125 SP इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्मूथ रिफाइंड इंजन। इट गिव्स एन अमेजिंग ऑयल एफिशियंसी, पेट्रोल एफिशियंस, माइलेज बहुत ही बढ़िया है। 65 to 70 के अंदर मुझे आराम से मिल जाते हैं इफ़ आई एम राइडिंग इन सिटी। सो आई एम हैप्पी विथ माई SP परफॉर्मेंस। आई एम डेफिनेटली हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस, SP परफॉर्मेंस। सो इफ़ समवन इज़ प्लानिंग टू बाई दिस बाइक, यू शुड डेफिनेटली बाई दिस बाइक। मेरे तरफ से तो लाइक इफ़ समवन इज़ टेलिंग मी टू रेट दिस बाइक, 10 के अंदर मैं इसको 8.5 तो ज़रूर दूंगा, 8.59 में इसको ज़रूर दूंगा। द ओनली ड्रॉबैक इज़ द टायर। एंड यू कैन लाइक इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द टायर। आप ये शायद 85 का टायर है, ठीक है। आई थिंक दिस 80 और 85, या दिस इज 80। इफ़ यू गाइज कैन सी, दिस इज 80, ओके यहाँ पे, ओके 80। सो अ पर्सन कैन 85 का टायर यहाँ पे लगा सकते हैं। सो या, दिस इज़ द कम्प्लीट रिव्यू ऑफ माई बाइक। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ होंडा 125 cc SP। दिस इज माई कम्प्लीट रिव्यू। माई एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई SP125। सो थैंक यू गाइज, होप यू गाइज हैव अ गुड डे। थैंक यू।